Hi guys, welcome back. This is my second vlog which I am planning to shoot today because there is a reason behind it. Basically yesterday I got one injured pigeon in my building and at night. So I didn't knew that what I'm supposed to do at that time because raat tha aur lockdown ka sab chal raha hai, aap logo ko pata hai. To main bhi starting mein dar gayi but main usko waise condition mein dekh nahi sakti thi. सो वॉट आई थाट इज़ कि मैं उसको रेस्क्यू कर लेती हूँ और उसको मैं अपने साथ रात को रख लूँगी बिकॉज अगर मैं वहाँ पे उसको रात को छोड़ देती तो शायद वो सुबह तक नहीं बचता बिकॉज हमारे बिल्डिंग में कैट्स भी आते हैं तो वो आप लोगों को पता है. सो इसीलिए मैंने उसको अपने साथ रख लिया एंड रात को मैंने बहुत उसको ट्राई किया खाना खिलाने का एंड ऑल दैट बट आई कुडेंट बिकॉज वो बहुत इंजर्ड है और वो फ्लाई कर रहा था तो मुझे कुछ उसको हैंडल करने नहीं हुआ. तो बेसिकली मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि आप लोगों को पता चल सके कि ऐसे जब बर्ड्स आप लोगों को रास्ते में कहीं दिख रहे हैं या कहीं आप लोगों को मिल रहे तो डरिए मत और उनको लीजिए बिकॉज वो बहुत हेल्पलेस होते हैं. वो हम पे एक होप्स रख के बैठते कि वी कैन डू समथिंग फॉर देम. So don't leave them to die on the roads and on the streets and our buildings because उन लोगों को कुछ तो help चाहिए होता है and आप लोग उनकी help कर सकते हो. तो मैंने जैसे एक gesture किया उसको लेकर और मैं अभी आज उसको और एक हमारे यहाँ doctor है तो उनके यहाँ लेके जा रही हूँ. basically उन लोग ऐसे कोई injured birds होते हैं and if you can't take care of them then मतलब वो आपके birds नहीं पाले हुए नहीं जो आपको मिलते हैं rescued उनको वो रखते हैं एंड उन लोग उनका ध्यान रख के जो भी मेडिसिन है वो देकर उन लोग उनको फ्लाई कराना है या जो भी है उन लोग करेंगे. तो आई एम गोइंग टू गिव दैट बर्ड इन दैट क्लिनिक एंड आई एम हैप्पी दैट मैंने किसी का जान बचाया और वो अभी मतलब थोड़ा सा बेटर लग रहा है मुझे. आई डेफिनेटली अटैच सम वीडियो और समथिंग ओवर हियर सो दैट यू विल गेट टू नो वो कैसे कंडीशन में था. And after I leave them there, I'll try to shoot one small video and attach it over here. So you will get to know. I don't know what people will think about me when I post this video. Because कुछ लोगों को शायद ये लग जाएगा कि मैं sympathy लेने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ. But ये मेरा motto नहीं है. मैं वो जो क्लिनिक में जाने वाली हूँ वहाँ पर जो मतलब वो जो टेक केयर करते हैं उस जगह का उनका नंबर नीचे दे दूँगी. तो एटलीस्ट आई कैन अश्योर यू दैट कि जो बॉम्बे में मीरा रोड एरिया मीरा भाईंदर में रहते हैं उन लोग एटलीस्ट वो नंबर पे कॉल करके अगर आपको कोई ऐसा बर्ड मिला आप लोग रेस्क्यू करके वहाँ दे सकते हो. तो आई डेफिनेटली लिंक दैट नंबर एंड दैट वाज द ओनली रीज़न फॉर मी मेकिंग दिस वीडियो सो दैट आप लोग डरे नहीं और वो नंबर पे कॉल करके या कहीं भी आप कोई भी आपको ऐसे एसोसिएशन पता है जो ऐसे बर्ड्स को वगैरह या जो भी एनिमल्स मिलते हैं उनको रखते हैं तो डेफिनेटली डू समथिंग गुड फॉर देम एंड Starlight, it's our lives in hindsight. And as I lay here in the street, I see what I need. I need escape from this debris. So, guys, as I had told you, ki main wo bird ko एक प्रॉपर सेफ जगह पे छोड़ने जा रही थी एंड फाइनली मैंने उसको वहाँ पे छोड़ दिया एंड वहाँ पे जाने के बाद आई गॉट टू नो फ्रॉम द डॉक्टर दैट उसको पैरालिटिक अटैक आया था एंड इट मे बी पॉसिबल दैट वो शायद अभी कभी उड़ नहीं पाएगा. सो दे विल कीप देम वहाँ पे और इसकी तरह बहुत सारे ऐसे पिजन्स थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसको वहाँ पर उसके फ्रेंड्स मिल गए एंड शायद वो वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा खुश रहेगा और जी पाएगा अपनी ज़िंदगी. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड इट फाइनली. मेरा सुबह बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका है. सो नाउ मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ. कल रात को मैं सो नहीं पाई थी क्योंकि मुझे बहुत डर था. सुबह से मैं जग रही थी उसके साथ तो नाउ आई थॉट दैट आई शुड ट्रीट माई सेल्फ लाइक थोड़ा अच्छे से. सो आई थॉट कि मैं थोड़ा सा एक केक बना लूँ अपने लिए. तो मेरे घर पे कल वो ग्रोफर्स से सामान आया था ग्रोसरी तो मैंने अपना क्या बोलते हैं बिस्किट मंगाया था चोको चिप. सो नाउ आई विल प्रिपेयर अ चोको चिप यूनिबिक चोको चिप कुकी केक.
इसमें हमने लिया है 2 packets ऑफ यूनिबिक चोको चिप्स बिस्किट पाउडर किया हुआ, और 4 tablespoons ऑफ शुगर पाउडर कर लीजिए, 1 glass ऑफ मिल्क, और अगर दूध और कम पड़ जाए तो आप थोड़ा और ले सकते हैं, और 1 spoon ऑफ पाउडर शुगर आपको इसमें मिक्स करना है। पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें दूध ऐड कीजिए, थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए और मिक्स करते रहना है कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी आपको दूध ऐड करना है। अच्छे से मिक्स करना है आपको। एकदम अच्छे से मिक्स करना है ताकि बिस्किट्स, पाउडर शुगर और दूध एक जान हो जाना चाहिए। मिक्स कर दीजिए। कितना दूध काफ़ी हो जाएगा? 1 glass दूध भी नहीं लगा है 2 packets के लिए। वहाँ पे कुकर गरम करने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे एक बर्तन पे जिसमें आपको केक बनाना है उसमें आपको तेल लगा करके बटर पेपर लगाना है। हमारे पास बटर पेपर अभी फ़िलहाल नहीं है, इसीलिए हम टिश्यू पेपर से काम चला रहे हैं, और उसके ऊपर आपको ये बैटर डालना है। अब इस बैटर को हमको इस प्री हीटेड कुकर में प्लेस करना है। थोड़ा सा धीरे से करिए और विसल मत लगाना, और कुकर को आपको बंद करना है। मैंने केक बनाया था एंड केक टर्नड आउट सो यम्मी गाइस। मुझे ना वो ब्राउनी वाली फीलिंग दे रहा था और बहुत टेस्टी बना। सो नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट शुड आई डू। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक डेकोर पीस बना दूँ मेरे घर के लिए, एंड मुझे पसंद है ड्राइंग्स एंड ऑल करना। मैं उसका भी आप लोगों को एक टाइम लैप्स वीडियो डाल दूँगी, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि मैंने उसमें क्या किया, एंड ट्राई करना आप लोग भी, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे। बहुत ईजी है वो भी गाइस। व्लॉग आप लोगों को ऐसे अच्छा लगा होगा। ऑलवेज ट्राई टू गिव सम ऑफ अदर कॉन्टेंट इन माई वीडियो, बिकॉज इफ़ एनी वन इज़ गिविंग देयर टाइम टू वॉच योर वीडियो सो दे शुड गेन समथिंग फ्रॉम इट। सो आई डोंट लाइक टू जस्ट टेल लाइक आई डिड माई वर्कआउट, आई डिड दिस, आई डिड दैट, बिकॉज उससे लोगों को कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो मेरा यही मोटो होता है हमेशा कि कुछ आप लोगों को उससे सीखने मिले। तो आज के मेरे वीडियो से आई होप आप लोगों ने कुछ अच्छी चीज़ें सीखी होंगी, एंड अगर सीखी है और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट मी एज यू आर डूइंग। एंड टिल देन गाइस, टेक केयर, एन्जॉय एंड हेल्प अदर्स।